के साथ। HD चौपाल ने सोनी चौरसिया को पूर्वांचल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इसके साथ साथ श्री वीरेंद्रनाथ उपाध्याय को प्रयागराज एवं MN पांडे को वाराणसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 12 नवंबर शुक्रवार को सायंकाल अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी में इस संदर्भ में SDG चौपाल की एक बैठक आहूत हुई, जिसमें SDG के राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर संजय राय शिवपुरिया के सानिध्य में SDG के कार्यक्रम में एवं उनके क्रियान्वयन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। इस दौरान संजय राय शिवपुरिया ने बताया कि 26 जनवरी 2022 तक 50 ग्राम SDG एडवोकेट बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम में राव IAS के डायरेक्टर अजीत श्रीवास्तव, क्रीड़ा भारत की प्रांतीय अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव, रमेश कनौजिया, गोपाल जी आदि उपस्थित रहे। बता दें कि SD चौपाल का गठन संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर 2021 को हुआ है। देश में युवा अपने करियर बनाने के राह में इतने डीपली घुस चुके हैं कि उनको अब भारतीय संस्कृति और भारत संस्कृति के मूलभूत तो चीज़ों से कहीं ना कहीं लगाव कम होता जा रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा आदिगुरु शंकराचार्य जी को, जिन्होंने काशी की धरती पे मुझे बुलाया और हमारी पुस्तक संस्कृति पर्व का विमोचन किया। मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। हम लोग यहां पे पिछले लगभग 8-9 महीने से गाजीपुर में जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है उस पर कार्य कर रहे हैं और एक लक्ष्य बनाया है 2030 तक यहाँ से हम बेरोजगारी को दूर करके किसी दूसरे देश में भेज देंगे, यहाँ रोजगार ही रोजगार के अवसर होंगे। उसके लिए हम एक सेंटर फॉर एक्सेलेंस बना रहे हैं जहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षण दी जाएगी। खेती को एंटरप्राइजिंग के माध्यम से जोड़ेंगे, जो किसान अपने उत्पादन को बेचने में असमर्थ होते हैं। सच के साथ।